हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण। बाइक वर्ल्ड के हमारे इस चैनल में हम सबों का स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे होंडा एक्टिवा का जो डिम डिप स्विच है उसको कैसा चेंज करना रहेगा। तो बहुत आसान है, तो इसे घर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा सा ऐसा उठाएंगे तो ये बाहर आएगा। ये देखिए, ऐसा बाहर आ जाएगा। इसके साथ ये जो तीन वायर आएगा इसमें भी दो साइड का लॉक होता है, तो आप इसको ऐसा उठा देंगे तो आपका ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ऐसा बाहर आ गया पुराना स्विच अभी बाहर आ गया। तो अभी हम इसमें नया स्विच को लगाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम ये डिम डिप स्विच को लेकर आ गए, तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो ये जो तीन पिन आता है, तीन पिन के अंदर जो ये कटिंग जैसा रहता है, इसमें भी ये जो टॉप कटिंग है इसको देख के लगाना रहेगा। आप ये पोजीशन में इसको आप लगा के इसको लॉक कर लीजिए। लॉक करके फिर वो जो पोजीशन में था उसी पोजीशन में इसको हम अंदर कर देंगे। तो देखिए, इस पोजीशन में इसको अंदर कर दे रहे हैं, तो ये अभी अच्छा से फिक्स हो गया। तो अभी ये वर्क हो रहा है कि नहीं करके इसको भी चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हमने जो डिम डिप स्विच को चेंज किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर स्विच जो है, इसका इंडिकेटर स्विच ये भी ठीक से वर्क नहीं हो रहा था बारिश की वजह से, तो इसको भी हम अभी चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। तो ज़रूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों। Thank you.